एसपी वैद हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर। वैद साहब, इस ऑपरेशन के बारे में और यहां पर क्योंकि आतंकवादी कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में सफल रहे हैं, तो कहां सिस्टम सफल नहीं हो पा रहा है अभी तक? जो गौरव, मैं समझता हूँ जम्मू रीजन का जो इंक्रीजिंग फोकस जो आप देख रहे हैं पार से पिछले दो साल का, और खासकर रजौरी पुंछ एरिया में जो पिछली चार पांच घटनाएं हुई हैं अक्टूबर 2021 से, आप देखिए कितनी कैजुअलिटी सफर की है। आई थिंक वी नीड टू वर्कआउट और रीवर्कआउट आर स्ट्रेटेजी, और हमें इसमें देखना चाहिए कि ये ग्रुप कैसे अंदर आ पा रहे हैं, इनको किस तरह से कहाँ से वीकनेस का लेकर ये अंदर घुस रहे हैं, और फिर यू नो द टेरेन, यू हैव विजिटेड, यू नो द डिफिकल्ट टेरेन इट इज, बट ऐसा नहीं है कि रजौरी पुंछ में हमने पहले ऑपरेशन नहीं किया। बहुत बार एक टाइम था लेट 90s में और अर्ली 2000 में बहुत ज्यादा इन्फेस्टेड था दिस एरिया, और इसको बहुत इफेक्टिवली डील किया गया। मैं समझता हूँ जो इस वक्त स्पार्स डिप्लॉयमेंट है उसको अब रीवर्कआउट करने की जरूरत है, और यहाँ एसओजी ग्रुप्स को रिवाइव करने की, और ग्राउंड लेवल पुलिसिंग जो जिस तरह से जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क कश्मीर में तोड़ा है उस पर प्रेशर लाया, और आपने देखा किस तरह से कश्मीर में जो ऑपरेशन ऑल आउट के बाद सक्सेसेस मिली, और उसके बाद पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी बदली, किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स की, वो उस पर भी कंट्रोल लाया। आई थिंक जम्मू रीजन में और खासकर रजौरी पुंछ में हमें इसको रिवर्क आउट करने की जरूरत है। ये और बहुत बड़ी बात आपने की, जी बहुत बड़ी बात आपने की कि एक एसओजी को फिर से तैनात किया जाए, रिवाइव किया जाए। दूसरा जो स्पार्स डिप्लॉयमेंट है, ये स्पार्स डिप्लॉयमेंट क्या सीआरपीएफ या अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहां काफी होगी, या फिर सेना को एक बार फिर बड़े तरीके से जो गैप्स आ गए हैं उन गैप्स को भरने के लिए लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि न केवल पुंछ और रजौरी की सुरक्षा बल्कि कश्मीर की सुरक्षा भी यहीं से होकर जाती है। बिल्कुल गौरव, आप देखिए सिर्फ सीआरपी और बाकी पैरामिलिट्री की नहीं, आरआर की भी जरूरत है, और एसओजी को रिवाइव। आप जो एनिमी को देख रहे हैं कि वो किस तरह से ये कर रहा है पिछले दो साल से, आप उनका फोकस देखिए, तो हमें आई थिंक बहुत टाइम हो गया है, हमें इसको अब नए तरीके से सोचना है और किस तरह से इसको हिट बैक करना है, और इंश्योर करना है कि वो पहले तो फर्स्ट जो हमारे गैप्स हैं जहां से वो निकल के आ रहे हैं एलओसी, वो किसको उनको कैसे प्लग किया जाए। आप एक बार अंदर घुस जाते हैं फिर उसका एडवांटेज वो टेरेन का लेते हैं, और एलओसी पास होने का भी एडवांटेज है, इसीलिए रजौरी पुंछ को चुना गया है, उस वहां से ये एडवांटेज है पास होने का भी, और एलओसी के पास ही बिल्कुल ये टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट। तो आई थिंक हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि पहले तो ये ग्रुप अंदर आ ही नहीं पाए, और जो आए वो बचे ना, ठीक, ये करना जरूरी है। और ग्राउंड लेवल पुलिसिंग भी मुझे लग रहा है कमजोरी है उसमें, बिल्कुल सही कहा आपने, चाहिए खबर, बिल्कुल सही कहा आपने। एक एसओजी को रिवाइव करने की जरूरत है, यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जम्मू और कश्मीर पुलिस का बहुत इफेक्टिव एक ये हथियार था। दूसरा, सेना की टुकड़ियों को और तैनात करने की यहां आवश्यकता है, जो गैप्स है उन्हें फिर भरने की आवश्यकता है।